चलिए बच्चों, लेट स्टार्ट द क्लास और नाउ स्टार्ट सॉल्यूशन। तो हम लोग सॉल्यूशन पढ़ने जा रहे हैं। सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले जो पढ़ेंगे, सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हेनरी लॉ। हेनरी लॉ कैसे पढ़ेंगे जरा ध्यान से समझेंगे आप लोग। हेनरी लॉ देखो भाई ध्यान से, हेनरी लॉ समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपके सामने एक कंटेनर बनाता हूँ। बनाया कंटेनर, दिख रहा है कंटेनर? एक बार फोकस इसी तरफ लगा देता हूं मैं कैमरे का, ये लीजिए। ठीक, अब इस कंटेनर में मैंने एक काम किया, यहां पर वाटर बना लगा दिया। ये मैंने यहां वाटर रख दिया वाटर। और जब ये वाटर है, ये जो वाटर है H2O, ये जो वाटर है H2O, मैंने इसको फिलहाल अभी A मान लिया। क्या लेट कर दिया? A। तो अगर ये वाटर है तो सरफेस पे भी वाटर के मॉलिक्यूल होंगे। अगर ये वाटर है तो सरफेस पे भी वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, यानी कि ये A, 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 A। फिर ये है एक पिस्टन, इस पिस्टन में मैंने क्लैंप लगा दिए कि यहां से ना ये पिस्टन ऊपर नहीं जा सकता। बात क्लियर? अब मैंने एक काम किया, यहां पर इसको एक हीट करना शुरू किया, और जो मैं हीट कर रहा हूं वो कर रहा हूं एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मैं कांस्टेंट टेम्परेचर पर इसे हीट कर रहा हूं। अब जब मैं इसे कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट कर रहा हूं तो होगा क्या? क्या होगा आप ही बताइए। अगर मैं इसे कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट करूंगा तो क्या होगा? तो ध्यान समझे बच्चे, सीधा कहेंगे वेपर बनेगी, लेकिन हकीकत में वेपर नहीं बनती। पहले जब मैं इसे कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट करूंगा तो जो कंटेनर की तली देख रहे हो आप, तली जो बेस देख रहे हो आप, ये सबसे पहले गर्म होगा। यानी कि अगर मैं हीट करना स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहले कंटेनर का बेस गर्म होगा। अब इस बेस को, इस तली को लगातार एनर्जी मिल रही है। एक टाइम ऐसा आएगा ये और एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, लेकिन मैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे लगातार हीट करता जा रहा हूं। ऐसा करने से क्या होगा कि ये और हीट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, लेकिन मैं हीट इसे दिए जा रहा हूं, तो ये क्या करेगा, अपने से ऊपर वाले मॉलिक्यूल में एनर्जी ट्रांसफर करेगा। अब लगातार अपने से ऊपर वाले मॉलिक्यूल में एनर्जी जा रही है, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये मॉलिक्यूल भी और एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, लेकिन मैं हीट लगातार कर रहा हूं, लेकिन मैं हीट लगातार कर रहा हूं। और जब मैं हीट लगातार कर रहा हूं तो इस लेयर को भी लगातार एनर्जी मिलेगी। अब ये एनर्जी और एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, लेकिन हीट लगातार करने के कारण ये अपनी एनर्जी को क्या करेगा, और ऊपर वाले उस जगह पर ट्रांसफर कर देगा। करते करते एक टाइम ऐसा आएगा ये भी और एनर्जी अब्सॉर्ब नहीं कर सकते, तो ये क्या करेंगे, अपने से ऊपर वाले को करेंगे ट्रांसफर, क्योंकि हीट में लगातार कर रहा हूं। अब ये वाली लेयर भी और एनर्जी अब्सॉर्ब नहीं कर सकती, लेकिन मैं हीट लगातार कर रहा हूं कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो ये क्या करेगा, अपने से ऊपर वाली लेयर को एनर्जी दे देगा। दे दिया। अब ऊपर वाली लेयर जो है वो लगातार एनर्जी अब्सॉर्ब कर रही है, लगातार एनर्जी अब्सॉर्ब कर रही है। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि ये भी और एनर्जी अब्सॉर्ब नहीं कर सकता, और जब ये और एनर्जी अब्सॉर्ब नहीं कर सकता और इसके ऊपर भी कुछ नहीं है कि एनर्जी को ये ट्रांसफर कर सके, तो ऐसे में ये लीव द सरफेस, सरफेस को छोड़ देगा। यानी कि एक बात पता चली, बल्क के मॉलिक्यूल शो कर रहे हैं कंडक्टेंस, वो पहले एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहे हैं, फिर एक टाइम ऐसा आ रहा है कि वो और एनर्जी अब्सॉर्ब नहीं कर सकते, तो वो अपने से ऊपर वाली लेयर में एनर्जी को ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन सरफेस के मॉलिक्यूल की खास बात है, उसके ऊपर कोई मॉलिक्यूल नहीं है और वो लगातार एनर्जी एब्जॉर्ब करता रहेगा, लगातार एनर्जी एब्जॉर्ब करता रहेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो और एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। और जब वो और एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो क्या करेगा,
वो सरफेस को छोड़ देगा। तो सबसे पहले मैंने बताया लगातार मैं कांस्टेंट टेम्परेचर में हीट कर रहा हूं, लगातार एनर्जी पहले इसके बेस से कहां गई, ऊपर गई, फिर वो और एनर्जी अब्सॉर्ब नहीं कर सकते तो उन्होंने और ऊपर दी, फिर वो भी नहीं कर सकते लेकिन मैं हीट लगातार कर रहा हूं तो और ऊपर गई, ऐसे करते करते सरफेस पे गई और सरफेस के मॉलिक्यूल और एनर्जी अब्सॉर्ब नहीं कर सकते इसलिए उन्होंने क्या काम करा, सरफेस छोड़ दिया। तो यहां से पता चला कि जो बल्क के मॉलिक्यूल है वो कंडक्टेंस शो कर रहे हैं और सरफेस के मॉलिक्यूल शो कर रहे हैं वेपराइजेशन। अब ये लगातार क्या कर रहे हैं एनर्जी को, ये लगातार क्या कर रहे हैं, लगातार वेपराइजेशन हो रहा है। अब इस जगह पर आ गया इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब है इसके अंदर अब और वेपर नहीं आ सकती और मैंने ऊपर की तरफ पिस्टन क्लैंप लगा रखे हैं ताकि पिस्टन ऊपर ना जाए। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। अब यहां इक्विलिब्रियम सेटअप हो चुका है, क्या सेटअप हो चुका है, इक्विलिब्रियम। जब यहां इक्विलिब्रियम सेटअप हो चुका है इसका मतलब, इक्विलिब्रियम का मतलब आप समझ सकते हैं इसके अंदर और वेपर नहीं आ सकती और मैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट कर रहा हूं। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे मैं हीट करूंगा तो क्या करेगा भाई, अगर मैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट करूंगा तो वेपर तो बनेंगी बनेंगी, फिर ये वेपर क्या करेगी, अपने से ऊपर वाली कोलाइड करेगी, ये अपने से ऊपर वाली कोलाइड करेगी, ये अपने से ऊपर वाली कोलाइड करेगी और ये करेगी सरफेस को कोलाइड, और सरफेस क्या हमने क्लेम लगा रखे हैं वो ऊपर नहीं जाएगा, फिर क्या करेंगी ये लोड करके वापस आएंगी, अपने से नीचे वाले को कोलाइड करेंगी, फिर अपने से नीचे वाले को, और ऐसे करते हुए सरफेस का प्रेशर क्रिएट करेगी, यानी कि बहुत आराम से ऐसे घूमकर आ रही है। अब कहानी क्या है, जरा ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। अब इस पिस्टन को ना मैं नीचे लेके आऊंगा। अब नीचे लेके आने के इसके दो तरीके हैं, पहला तरीका क्या है दूसरा तरीका क्या है ये मैं समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं आप छोटी सी चीज से समझने की कोशिश करेंगे मेरी बात को। जैसे समझिए मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझाता हूँ, उसे आप जरा ध्यान से देखेंगे। जैसे सपोज कीजिए ये मेरा हाथ है, देख रहा है आपको, अब ये हाथ है और ये एक बॉडी है, इस बॉडी पे मैंने हाथ ऐसे मारा, इस बॉडी पर मैंने हाथ ये ऐसे मारा, तो ये हाथ इस बोर्ड के अंदर क्या चाह रहा है, पहले सिंपल सी बात बताओ, ये हाथ जब मैंने इस बोर्ड पर ऐसे करके मारा तो ये हाथ इस बोर्ड के अंदर क्या चाहता है आप कुछ सोचिए। देखिए अगर मैं इस हाथ को इस तरह मारता हूं तो ये वाला मैटर इस मैटर के अंदर अपनी जगह बनाना चाहता है, ये वाला मैटर इस मैटर के अंदर अपनी जगह बनाना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए तो क्या चाह रहा है, ये चाह रहा है कि ये इसके अंदर अपनी जगह बना ले और ये वाला मैटर इसके अंदर अपनी जगह बनाना चाहता है, तो यानी कि मैं ऊपर ऊपर से कह सकता हूं कि ये वाला मैटर इसके अंदर डिसॉल्व होना चाहता है, क्या होना चाहता है डिसॉल्व। अब एक छोटी सी बात को आप ध्यान समझिए, मान लीजिए हाथ है मैंने एक ऐसे लगाया, ये है ए कंडीशन, कौन सी कंडीशन है ए, दोबारा देखिए ये वाली है ए कंडीशन और ये वाली है बी कंडीशन, दोबारा देखेंगे ये वाली ए कंडीशन और ये वाली है बी कंडीशन, मुझे बताइए किसने ज्यादा कोशिश की जगह बनाने की, ए ने करी या बी ने करी, तो जाहिर सी बात है बी ने करी, यानी कि सिंपल सीधी सी बात क्या है, जो मेरा बी है जो आपको बी दिख रहा है उसने ज्यादा कोशिश करी। अच्छा अब यहां पर एक बात ध्यान समझिए, सबसे पहले क्या है, ये था ए का प्रेशर और ये था बी का प्रेशर, तो जितना तेज मैं हाथ इस पे मारूंगा, जितना तेज मैं प्रेशर इस पे लगाऊंगा, ये कंपाउंड ये मैटर इस मैटर में अपनी जगह बनाने की उतनी ही ज्यादा कोशिश करेगा, यानी कि ये ए था और ये बी था तो प्रेशर कौन सा ज्यादा है बी, अच्छा ये ए था ये बी था, यानी कि इस मैटर के अंदर सोल्युबल होने की कोशिश ज्यादा की, आया ना, तो सिंपल सी बात है ये ए था और ये बी था, तो सिंपल सी बात है बी ने ज्यादा प्रेशर लगाया, बी ने इसके अंदर जगह बनाने की ज्यादा कोशिश की तो बी ने सोलिबिलिटी इसके अंदर ज्यादा चाहिए। तो सिंपल सी बात है हेनरी लॉ यही बात कहता है कि जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे सोलिबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे सोलिबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल इस कंटेनर से समझेंगे, मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं मैं इस पिस्टन को धीरे धीरे नीचे लेके आ रहा हूं, धीरे धीरे ऐसे एकदम धीरे धीरे नीचे लेके आ रहा हूं, तो जब मैं धीरे धीरे नीचे लेके आऊंगा तो प्रेशर कम लगेगा, तो जब मैं धीरे धीरे लेके आऊंगा तो इस गैस का इसके ऊपर प्रेशर कम लगेगा, लेकिन अगर मैं एकदम तेजी से नीचे लेके आऊंगा तो इस गैस का इस पर प्रेशर बहुत तेज लगेगा, तो जाहिर सी बात है ये स्लोप का और ये वाला
तो ज्यादा प्रेशर किसका लगा? तेज वाले का लगा। जब तेज वाले का लगा यानी कि ये मैटर इसके अंदर सोल्युबल होने की कोशिश ज्यादा कर रहा है, यानी कि इस वाले मैटर की सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी। तो अगर मैं तेजी से लेके आऊंगा तो ये गैस बहुत तेजी से इसमें प्रेशर लगाएगी और तेजी से प्रेशर लगाने के कारण सोल्युबिलिटी हाई होगी। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे, हेनरी लॉ क्या कहता है आप बोर्ड पर देखेंगे, हेनरी लॉ को आप ध्यान से समझेंगे बोर्ड पर, जरा ध्यान से देखिएगा आप। अब हेनरी लॉ की अगर मैं बात करूं तो लिखा है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, फ्रेड टेम्परेचर कॉन्स्टेंट तक, द सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। यानी कि जितना ज्यादा मैं प्रेशर लगाऊंगा, जितनी तेजी से मैं पिस्टन को नीचे करके लेके आऊंगा, जितनी तेजी से प्रेशर को मैं लगाऊंगा, तो जितना ज्यादा मैं प्रेशर लगाऊंगा सोल्युबिलिटी के चांस उतने ही ज्यादा होंगे। तो ये था ए प्रेशर और ये था बी प्रेशर। तो क्या है ये वाला भाई, एक बार बताओ इसने ज्यादा सोल्युबल होने की कोशिश करी या इसने? तो बी ने, बी का प्रेशर ज्यादा था तो वो मेटल में जगह बनाने की उसे ज्यादा जल्दी थी, तो जैसे बताया उसकी सोल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी। इस तरह से इस पिस्टन को मैं तेजी से लेके आऊंगा तो क्या होगा, जब मैं इस पिस्टन को बहुत तेजी से लेके आऊंगा तो इसका प्रेशर ज्यादा होगा, ज्यादा होगा तो क्या होगा बताओ, ज्यादा हुआ तो क्या होगा, सोल्युबिलिटी के चांस ज्यादा होंगे। अच्छा एक और बात ध्यान रखें, इतना भी ज्यादा मत करना, जैसे मैं हाथ लेके आया बहुत तेज मारा और बोर्ड टूट गया, तो इतना भी वेरी हाई प्रेशर नहीं, सिंपल सी बात है हाई प्रेशर, मतलब एक जगह पर नॉर्मल कंडीशन में चल रहे हैं हम लोग, एक जगह प्रेशर लो है एक जगह प्रेशर ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है जहां पर प्रेशर ज्यादा होगा वहां पर सोल्युबिलिटी के चांस ज्यादा होंगे, ये बात मैं आपको बताने चाह रहा हूँ, ठीक है ना। बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए, जैसे मैंने बहुत ज्यादा प्रेशर मारा और बोर्ड टूट गया, तो वो वाली सिचुएशन नहीं है यहाँ पर, तो वेरी हाई प्रेशर नहीं चलेगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे आप, जो मैं आपको समझाने दे रहा हूँ ध्यान से आप लोग फोकस करेंगे। अब देखो तो प्रेशर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर ऑफ अ गैस ऑन अ लिक्विड सरफेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर सोल्युबिलिटी, तो पी नॉट ए डायरेक्टली एस, पी नॉट ए इक्वल्स टू में KHS, KH क्या है हेनरी कॉन्स्टेंट, एस क्या है सोल्युबिलिटी, ठीक है, KH क्या है हेनरी कॉन्स्टेंट, एस क्या है सोल्युबिलिटी। अब कहानी क्या है, सोल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट किया गया था मोल फ्रैक्शन से, किससे रिप्रेजेंट किया था मोल फ्रैक्शन से, तो सोल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं मोल फ्रैक्शन से, तो मैंने लिखा पी नॉट ए इज इक्वल टू में KHS, यानी कि सोल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट मोल फ्रैक्शन से करते हैं, तो ये मोल फ्रैक्शन ए का साइन है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है ये मैं आपको बता दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो पी नॉट ए बराबर में KHS, KH क्या है हेनरी कॉन्स्टेंट, S क्या है सोल्युबिलिटी, और सोल्युबिलिटी किससे रिप्रेजेंट होती है मोल फ्रैक्शन से, तो मैंने यहाँ मोल फ्रैक्शन लिख दिया। अब मैं कुछ KH के बारे में बता देता हूँ, KH होता है हेनरी कॉन्स्टेंट, KH क्या है हेनरी कॉन्स्टेंट। पहली बात तो ये हेनरी कॉन्स्टेंट की दो बातें ध्यान रखनी है, पहली बात ये है टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो KH बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो KH बढ़ेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बात आपको याद रखनी है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर बढ़ने पर KH बढ़ता है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो KH की वैल्यू है वो डिफरेंट गैस के लिए डिफरेंट होगी, जैसे O2 गैस के लिए कुछ और वैल्यू है तो CO2 गैस के लिए कुछ और वैल्यू होगी। तो सिंपल सी बात है, लिखा है हेनरी कॉन्स्टेंट इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैस एंड डिपेंड ऑन अ टेम्परेचर, तो हेनरी कॉन्स्टेंट के बारे में क्या लिखा है, इट इज डिफरेंट फॉर अ डिफरेंट गैस एंड डिपेंड ऑन अ टेम्परेचर, यानी क्या लिखा है इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैस, इसका मतलब क्या है कि O2 के लिए KH की वैल्यू अलग होगी, CO2 के लिए KH की वैल्यू अलग होगी, NO2 के लिए KH की वैल्यू अलग होगी। इस तरह से क्या होगा, सिंपल सी बात है, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा डायरेक्टली, यानी कि अगर T ज्यादा होगा तो KH ज्यादा होगा, T ज्यादा होगा तो KH ज्यादा होगा, ये मैं आगे समझा भी दूंगा कि T ज्यादा होने पर KH ज्यादा क्यों है, बात के लिए अच्छा। P नॉट ए डायरेक्टली और सोल्युबिलिटी रिप्रेजेंट की जाती है मोल फ्रैक्शन से, मोल फ्रैक्शन क्या होता है ये मैं आपको बता दूंगा। अच्छा अब इसके बाद इसको देखेंगे, मैं इस पर फोकस ले आता हूँ, जरा ध्यान समझेंगे। देखो अब सिंपल सीधी बात क्या है, इस जगह पर आप देख सकते हैं मैंने क्या काम करा, प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ बनाया, प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ बनाया, तो ये प्रेशर है ये मोल फ्रैक्शन है, तो प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में डायरेक्टली रिलेशन है, तो मैंने डायरेक्टली बना दिया, और स्लोप क्या है KH, आप जानते हैं ना y इक्वल्स टू में mx होता है, y इक्वल्स टू में mx होता है, तो y एक्सिस पे क्या लूंगा मैं, P नॉट A, क्या लूंगा मैं P नॉट A,
और एक्स एक्सिस पे क्या लूंगा मैं, एक्स एक्सिस पे क्या लूंगा मोल फ्रैक्शन ए, और ये क्या है n के बराबर, तो स्लोप क्या हो गया, स्लोप क्या हो गया मेरा kh, और स्लोप को हम लोग कहते हैं tan थीटा। अच्छा यूनिट ऑफ kh एटमॉस्फेयर होगी, अच्छा atm होगी, और क्या नाम तुम्हारा, इसकी कंडीशन ध्यान रखना, इसकी तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन है प्रेशर नॉट बी वेरी हाई, अब इतना ही ज्यादा प्रेशर मत लेना कि बहुत हो जाए, तो प्रेशर बहुत ज्यादा हाई नहीं लेना है, सिर्फ हाई की बात हो रही है। और टेम्परेचर नॉट बी वेरी लो, टेम्परेचर लो क्यों, ज्यादा लोग क्यों नहीं लेंगे, ये मैं आगे आने वाली क्लास में बताऊंगा। अच्छा जी दूसरी बात है नॉन रिएक्टिंग गैसेस, नॉन रिएक्टिंग गैसेस का मतलब है जैसे मान लीजिए मैंने एक काम किया है इस जगह पर, मैंने इस जगह पर दो गैस ले ली, कितनी गैस ले ली दो, अब ये रहा मेरा लिक्विड, ये रहा लिक्विड है कोई भी लिक्विड, अब मैं चाहता हूं इसके अंदर मैंने दो गैस ले ली, एक गैस मैंने ले ली इसके अंदर NH3 और एक गैस मैंने ले ली इसके अंदर वाटर वेपर, ये मैंने ले लिया वाटर वेपर, अब मैं चाहता हूं इन दोनों का प्रेशर इसके ऊपर, तो ये दोनों तो आपस में रिएक्शन करके NH4OH बना लेंगी, और जब NH4OH बना लेंगी तो NH3 तो गैस है ही नहीं, और जब NH3 गैस बची ही नहीं है तो उसकी सोलिबिलिटी क्या, तो हम दोनों ऐसी गैस यहां नहीं लेंगे जो आपस में रिएक्ट करें, क्योंकि मान लीजिए आपने NH3 और वाटर वेपर ले लिया तो होगा क्या, आप कहेंगे मैं आपसे कहूंगा NH3 की सोलिबिलिटी बताओ, अब थोड़ी देर बाद मैं क्या देख रहा हूं NH3 तो H2O से रिएक्शन करके NH4OH बना लिया, तो NH3 तो इसके अंदर है ही नहीं, और जब NH3 नहीं है तो उसकी सोलिबिलिटी कहां से निकालूं, तो सिंपल सी बात है गैस कौन सी लेंगे, नॉन रिएक्टिंग गैस लेंगे, कौन सी गैस लेंगे नॉन रिएक्टिंग। अच्छा मैंने हेवी लो कॉन्स्टेंट के बारे में दो बातें बताई थी, पहली बात डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैस, यानी कि O2 के लिए अलग वैल्यू होगी, N2 के लिए अलग होगी, CO2 के लिए अलग होगी, और मैंने बताया था टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करने का मतलब है टी बढ़ने पर KH बढ़ेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड का मतलब है टी बढ़ने पर KH बढ़ेगा, तो मैंने KH1 लिया, KH1 मैंने क्या लिया जरा ध्यान समझना, आपका P0 के बराबर में KHX है, आपका P0 बराबर में KHX है, तो मैंने क्या काम करा ध्यान समझिए, मैंने क्या काम करा पी कॉन्स्टेंट ले लिया, और पी कॉन्स्टेंट लेने पर मैं टी बढ़ाऊंगा, आपको पता है कि अगर मैं प्रेशर कॉन्स्टेंट करने पर टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो मेरा KH बढ़ेगा, ध्यान समझिए, पहले एक बात ध्यान सुनिए, ये जो चैप्टर मैं आपको करवा रहा हूँ ये चैप्टर मैं आपको एडवांस लेवल पे करा रहा हूँ, बात क्लियर, तो जो NCERT वाले बच्चों को एक कंटेंट जाएगा तो NCERT से एक्स्ट्रा चीजें भी इसके अंदर होंगी वो आपको समझनी पड़ेगी, यानी कि CBSE प्लस एक्स्ट्रा होगा ये। फिर तो केस वन क्या है, अगर मैं प्रेशर कॉन्स्टेंट लेता हूं तो टी बढ़ने पर KH बढ़ेगा, अब जरा ध्यान समझिए, आपका P0 बराबर में KHX है, आपका P0 बराबर में KHX है, अब मैंने क्या काम करा प्रेशर कॉन्स्टेंट ले लिया, जब मैंने प्रेशर कॉन्स्टेंट ले लिया तो जाहिर सी बात है कॉन्स्टेंट बराबर KHX हो गया, अब मैं काम करता हूँ कहाँ KH कहाँ चला जाएगा, अच्छा KH को यहीं तो मोल फ्रैक्शन कहाँ चला गया नीचे चला गया, भाई मैंने प्रेशर कॉन्स्टेंट लिया, प्रेशर कॉन्स्टेंट बराबर क्या गया KHX, X से कहाँ चला गया, X से नीचे चला गया, तो सिंपल सी बात है क्या आ गया आपका X से आप नीचे ले गए तो P0 / X / KH आ गया। अब मैंने क्या काम किया, मैंने यहाँ पे क्या कर रखा प्रेशर कॉन्स्टेंट, तो ये चीज तो कॉन्स्टेंट है, अगर ये चीज कॉन्स्टेंट है तो KH और XA में इनवर्स रिलेशन आ गया, यानी कि जो KH है और XA है उसमें इनवर्स रिलेशन आ गया, अब जब इसमें इनवर्स रिलेशन आ गया तो यहां से आप लोग एक बात ध्यान समझ सकते हैं, पहली बात मैंने बताया था मोल फ्रैक्शन क्या करता है, मोल फ्रैक्शन सोलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इसको रिप्रेजेंट करता है, मोल फ्रैक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है सोलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, तो यहां पर मैंने क्या करा P0 बराबर में KHX था, P0 बराबर KHX था, तो हुआ क्या XA कहां चला गया, XA चला गया नीचे, तो P0/XA बराबर में KH आ गया, P0 बराबर में KH आ गया, P0 आपने कांस्टेंट कर दिया, तो KH और मोल फ्रैक्शन में इनवर्स रिलेशन आ गया, अब इसमें इनवर्स रिलेशन आ गया, अब यहां से आप एक चीज समझना, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो KH बढ़ेगा, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मैं जानता हूं KH बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने पर KH बढ़ेगा, और अगर KH बढ़ेगा तो XA घटेगा, तो टेम्परेचर बढ़ने पर KH बढ़ेगा, KH बढ़ने पर XA घटेगा, और XA घटेगा तो सोलिबिलिटी घटेगी, ये बात ध्यान रखना, टेम्परेचर बढ़ने पर KH बढ़ता है, क्या है KH बढ़ने पर क्या होगा, KH और मोल फ्रैक्शन का इनवर्स रिलेशन है, और KH बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन घटेगा, मोल फ्रैक्शन घटने का मतलब सोलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड डिक्रीज हो गई, और इसका मैं एग्जांपल भी दे देता हूं,
अगर आप समर वगैरह में जाते हैं, समर वगैरह में देखेंगे तो एक्वेटिक स्पीसीज जो होती है वो सबसे ज्यादा मरती है। रीजन क्या होता है कि समर के अंदर क्या होता है कि जो O2 की सोलिबिलिटी है वाटर के अंदर वो कम हो जाती है, क्योंकि समर में टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उसमें KH की वैल्यू कम होगी, और KH की वैल्यू कम होगी तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कम, सॉरी टेम्परेचर बढ़ने पर KH की वैल्यू बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ने पर KH की वैल्यू बढ़ेगी, और KH की वैल्यू बढ़ने पर मोल फ्रैक्शन घटेगा, और मोल फ्रैक्शन घटेगा तो सोलिबिलिटी घटेगी। तो सिंपल सीधी बात है, समर के अंदर एक्वाटिक स्पीसीज ज्यादा इसलिए मरते हैं क्योंकि O2 की सोलिबिलिटी वाटर में कम हो जाती है, क्योंकि O2 की सोलिबिलिटी वाटर के अंदर कम हो जाती है।